ठीक है चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। रिकैप हो गया सर्कल्स का, एज इफ वी डिस्कस होल चैप्टर, है ना। चैप्टर का एबी सीरीज भी नहीं हुआ अपना, है ना। ओके फाइन। एनीवे फाइंड नेचर ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो। I'm going to give you some homework questions here. एनीवे सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 2 3 4 5 दीज आर नंबर क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन थे, है ना। तो एनीवे अच्छा क्या है नेचर ऑफ द सर्कल, पॉइंट सर्कल, करेक्ट। बस आपको रेडियस निकालना है, शायद से रेडियस आएगा जीरो, है ना। तो ये पॉइंट सर्कल है। अच्छा ये देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर। अच्छा तो ये सर्कल का सेंटर क्या है, देखो 2g माइनस 8 है, हाफ ऑफ दैट माइनस 4, उसका नेगेटिव साइन 4, 4 कॉमा माइनस 3। गाइस आपको कंपेयर करना है 2g 2f, है ना, एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो सेंटर ऑलरेडी है, बस अपने को रेडियस की जरूरत है। एंड हाउ डू यू फाइंड रेडियस, रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बोला मैंने, लेट दिस पॉइंट बी पी। Remember, radius is given by PC. PC है ना? Radius is always PC है ना? PC खत्म। Radius निकालो, फिर center radius form apply करो, है ना? Then simply apply center radius form. Simple है? अच्छा, question number 3 आपने notice किया है, ये obviously x is equal to h plus r cos theta के form में है, y is equal to k plus r sin theta के form में है। तो इट इज ऑब्वियसली सर्कल, ऑल यू नीड टू डू इज की माइनस फोर को इधर शिफ्ट करने का, एक्स प्लस फोर का स्क्वायर वाई प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग नंबर को इधर शिफ्ट करने के बाद आएगा। और सेंटर है, सेंटर डायरेक्टली माइनस फोर माइनस थ्री, और रेडियस है 5 यूनिट्स, है ना। डायरेक्ट है, डायरेक्ट फ्रॉम पैरामेट्रिक फॉर्म, हू सेंटर इज गिवन and passing through point of intersection of these two lines, easy again,
इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ये सी हो गया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी होगा, पी से गिव्स यू रेडियस, अगेन अप्लाई सेंटर रेडियस फॉर्म. नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस, तो इसका सेंटर अपना पी बनेगा और कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल, इसका सेंटर अपना सी होगा एंड पी सी अगेन गिव्स यू आर, सिंपली अप्लाई सेंटर रेडियस. ठीक है, तो इफ यू आस्क मी यू कैन इवन स्किप दिस क्वेश्चंस, इफ यू थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बस स्किप कर देना, है ना, बस आपको पता होना चाहिए था ये सब. ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना, फ्लो के लिए, बट इट्स अप टू यू. ठीक है, सो this would be our question number 6, is it? Okay. Hello. Find EOC if its center lies on x-axis and passes through 2,3 with radius. With radius 5 units. Okay. Find EOC whose center lies on y is equal to x minus 1 and passes through 7,3 with r is equal to 3 units. Find locus of if x is equal to 280 upon 1 plus t. So, देखो ये हम कर चुके already. So, we're just recalling. Then find locus of P x comma y. आते आते सिक्स में कैसे करें, व्हाट अबाउट सिक्स, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जनरली हम क्या करते हैं, लेट द सेंटर बी एच कॉमा के, हक, लेकिन सेंटर किस पे है, एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो, गुड, एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट, मैंने ये पी है और आर भी है अपने पास, ये तो इन तीनों को लेकर एक कंडीशन है, व्हाट इज दैट, प्रियंका चोपड़ा इज रेडियस, तो हो जाएगा, अच्छा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, पीसी स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो एच माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज आर का स्क्वायर 25. तो अच्छा यू कैन डू दिस इन मेनी वेज, इफ यू आस्क मी 3 का स्क्वायर 9 है, 25 माइनस 9 कितना होगा, 16 होगा, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, नाउ h माइनस 2 इज 4, दैट्स इट, करेक्ट, रिमेंबर हमेशा प्लस माइनस 4, तो h कितना होगा 6 या h होगा माइनस 2. अच्छा व्हाट डज इट मीन कि ऐसे कितने सर्कल्स है, क्या दो सर्कल्स है क्या, यस लुक्स लाइक टू सर्कल्स आर पॉसिबल, अगर हमने h 6 लिया then what will be equation of circle, x minus h ka whole square plus y minus k ka whole square is equal to r ka square, or jab h lete hain minus 2 to x minus of minus 2 plus 2 ka whole square plus y minus 0 ka whole square is equal to 5 ka square. Okay, so two such circles are possible.
अच्छा इसका एक बार फिगर बना लेते हैं, देखते कि कैसे दिखेगा ये। सेंटर एक्स एक्सिस पर है, पासिंग थ्रू 2.3 है, तो ऐसा सर्कल पॉसिबल होगा, फिर एक ऐसा सर्कल भी पॉसिबल होगा, देखो है ना, लुक्स लाइक इधर में एक सर्कल होगा, इधर में एक सर्कल होगा, ताकि ये दोनों सेम, राइट, सेंटर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट सेवन, व्हाट अबाउट सेवन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज सेंटर लाइज ऑन दिस। जनरली हम सेंटर क्या लेते हैं, लेट सेंटर बी अप, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका के कितना होगा, के इज एच माइनस, एक कंडीशन मिल गया अपने पास, एक कंडीशन, और पासेस थ्रू, माने ये पी है 7.3 और आर भी है, क्या सेम फंडा है क्या वो, पीसी इज इक्वल टू आर, पीसी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या एच माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर। अच्छा अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू, दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट टू डू, एग्जैक्टली एक को एलिमिनेट करेंगे, बेटर होगा हमेशा, है ना, तो ये h माइनस सेवन का होल स्क्वायर कितना होगा, h स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ओके, की जगह h माइनस 1, और ये h माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, सही है, तो ये h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 इज इक्वल टू 9, सही है, sure, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8h माइनस 22h, 49 में से 9 गया 40 प्लस 16 56 0, एक 2 कटेगा, h स्क्वायर माइनस 11h प्लस 2 कितना, तो 28, नाइस 7 4 जा, है ना, तो इसको सॉल्व किया तो h के दो वैल्यूज आएंगे 7 और 4, तो दो केसेस बनेंगे ऑब्वियसली, केस 1 हमने h 4 कंसीडर किया, तो उसके हिसाब से k कितना होगा, 4 माइनस 1 3, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर और k स्क्वायर। यदि हमने h लिया 7 तो k होगा 7 माइनस 1 6, x माइनस 7 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना, आप चाहिए तो आप इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आई वुड से अ वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन, राइट, 8 और 9 अपना हो चुका है ऑलरेडी, सो याद है 7 क्या करते हैं हम, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियरली नीड टू गो फॉर, वेरी गुड, नीड टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, वेयर वी पुट टी इज इक्वल टू, यस tan थीटा, करेक्ट, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, और वो वाला cos 2 थीटा, है ना, तो स्क्वायर में ऐड, सिंपल सी बात है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट्स a square sin square 2 theta, a square cos square 2 theta, a square common sin square 2 theta plus cos square 2 theta वाला है, ठीक है, so ये circle है, जिसका center क्या है, what is its center, very good, and radius a, simple है, ठीक है, अच्छा आप देखो, just in case, अगर ये b होता, what would be happen, a को इधर बुला दें, would have called a here, then this would have become, ये ऐसा हुआ रहता, तो ये कौन है, एलिप्स है ना, just keep this in mind, okay, so remember ये बहुत ही famous question है, बहुत important भी at the same time, है ना, ये T वाला देखो, अच्छा, अब आते हैं ninth, ninth में क्या करते हैं हम, देखो पता नहीं कितने बार किया हमने,
देखो साइन कॉस का कोएफिशिएंट इंटरचेंज और साइन चेंज बीच का, तो क्या करते हैं हम इसमें भी देखो हम स्क्वायर और ऐड करते हैं, वी स्क्वायर एंड ऐड, वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप चेक कर सकते हो कई बार कर चुके हैं हम। तो लोकस सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, व्हाट इज इट सेंटर एंड रेडियस, ये इंटरेस्टिंग है, एंड रेडियस इज ए प्लस बी। रिमेंबर आपको आरएचएस में स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। मेनी स्टूडेंट्स दे थिंक दे कैन कैंसिल आउट स्क्वायर एंड रूट हियर, बट वो गलत है। आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते ना, अक्सर स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, देखो क्वेश्चन कैन बी समथिंग लाइक दिस। तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अभी भी क्या कर सकते हो स्क्वायर और ऐड कर सकते हो जहां ए और बी का वैल्यू वन है। तो आरएचएस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 2 आया, इन दिस केस इट इज गुड बी रूट 2, ठीक है। सो आई जस्ट थॉट वी शुड बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, पहले कर चुके तो एक्चुअल चैप्टर में भी करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइट ऑन, फाइंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड करना, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस 4 0, यू नीड टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब इसी दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे वो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना जो आप पहले से जानते थे, नाउ वी आर गेटिंग इनटू टेरिटरी, एक्चुअल मेंस टेरिटरी में हम आ रहे हैं। To wind up this class, we will be entering advanced territory. Okay. Remember, parametric form of circle is given by x is h plus r cos theta, y is k plus r sin theta. Simple, right? So, okay. Is the center kya hai? What is center of this? A coefficient of x p hai. Uska aadha p by 2. Uska negative sign. तो x कोऑर्डिनेट है माइनस p बाय 2 और y कोऑर्डिनेट है माइनस q बाय 2। अच्छा व्हाट इज इट्स रेडियस, रूट ओवर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 4, सही है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, c तो वैसे भी 0 है। अच्छा c 0 है, व्हाट डज इट मीन, पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना, वेरी गुड। इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है जैसे रूट ओवर b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर x इज h की वैल्यू है माइनस p बाय 2 प्लस, अच्छा एक काम करेंगे r तो हम जानते हैं वैसे भी, तो r ही लिखेंगे पूरा रूट, r तो जानते हैं ना, तो r cos थीटा
y is k माने minus q by 2 plus r sin theta है ना। तो एक्चुअल क्वेश्चन में r की जगह वो लिखना होगा आपको, ठीक है। एनीवे दिस वाज अ सिली क्वेश्चन अगेन, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वी कैन फाइंड पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, जनरल टू पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक टू जनरल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन नंबर 11, ही इज आस्किंग अस टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्या ये सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, माने जनरल फॉर्म में है क्या ये वाला सर्कल? नहीं है। तो क्या करना है आपको, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, अच्छा मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा, 2 cos थीटा x प्लस 2 sin थीटा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इट? अच्छा इसका सेंटर क्या है, व्हाट इज इट सेंटर? x का कोएफिशिएंट 2 cos थीटा, उसका आधा cos थीटा है, उसका ऑपोजिट साइन है ना, माइनस g माइनस है ना, और इसका लोकस निकालना। नाइस क्वेश्चन। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता अपने को, वी कंसीडर इट एज आइदर वी गो फॉर हक h कॉमा के और x कॉमा y, आपका मर्जी। यहां कोई x और y नहीं है इसमें, तो हम ले सकते हैं लेट x बी माइनस cos थीटा एंड y बी माइनस sin थीटा। आप लोग जानते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये स्ट्रेट लाइन को, इज इट? cos sin simply square है, मतलब locus of center of the circle is again a circle, nice। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 you already know, I guess, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 का लॉजिक क्या है, क्या सर्कल का इमेज इन लाइन? हम तो जो किया है हमारे स्ट्रेट लाइंस में जो किया है हमने, वी डू नो हाउ टू फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन, है ना, किसी पॉइंट का इमेज कैसे फाइंड करते हैं वो हम जानते थे, लेकिन यहां तो किसी सर्कल का इमेज, ये तो कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, है क्या? मे बी नॉट। अच्छा ठीक है, पहली बात मान लो ये लाइन है ax plus by plus c is equal to 0, मान लो कोई पॉइंट है p x1 y1 जिसका अपने को इमेज ढूंढना है, मान लो वो है q x2 y2, तो बताओ कि इमेज का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर इमेज? रिकॉल, x2 minus x1 by a, y2 minus y1 by b, और ये पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन इन दिस लाइन माइनस टू टाइम्स है ना, यस करेक्ट, माइनस टू टाइम्स पॉइंट का इंडेक्स ए एक्स वन बी वाई वन सी अपॉन, रिमेंबर ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है, राइट? डिस्टेंस में रूट होता है, रिमेंबर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज में रूट नहीं होता है ना, बी वेरी केयरफुल हियर, आई नो मेनी स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक्स हियर, ठीक है। अच्छा फाइन, अरे ये तो पॉइंट था, सर्कल का इमेज कैसे फाइंड करोगे इन अ लाइन? मान लो ये लाइन है, ऊपर में अभी सर्कल है और इसका इमेज निकालना है, यस, सो व्हाट डू वी नीड टू डू? सिंपल है। अच्छा माने सर्कल का इमेज निकालने के लिए आपको सेंटर का इमेज निकालना है, अच्छा फाइन, तो ये सर्कल है ना, ये ऐसा बनेगा इधर नीचे, अच्छा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बड़ा हो गया है ना, बट रिमेंबर गाइस एक्चुअल इमेज में ना साइज ऑफ सर्कल रिमेन सेम, अच्छा मैंने एक वर्ड यूज किया साइज रिमेन सेम, साइज का मतलब सर्कल का साइज का मतलब एरिया, पेरीमीटर, रेडियस, अच्छा उसका मतलब सर्कल का रेडियस रिमेन सेम, वेरी गुड। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये सी है, इसका इमेज निकालेंगे विच इज सी डैश, अगर इसका आर होता ये वाला आर होता तो ये भी आर ही होगा, इसका मतलब ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड इमेज ऑफ सेंटर इन द लाइन, वो नया सर्कल का सेंटर बनेगा और रेडियस विल रिमेन द सेम। तो ठीक है एक काम करेंगे, कर लेते हैं। अच्छा गिवन सर्कल का सेंटर क्या है, 3, 4, और इसका रेडियस क्या है, रूट ओवर 9 प्लस 16, 5, ठीक है, सो नया सर्कल का भी रेडियस 5 ही होगा। अब ये पॉइंट है 3, 4, इसका इमेज इन द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, चलो x2 माइनस
x1 upon a, y2 minus y1 upon b is equal to minus 2 times पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन जिसका इमेज फाइंड कर रहे हैं आप वो इसमें इसमें सब्स्टिट्यूशन 3 3 9 4 4 16 प्लस 25 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन 25 आएगा शायद से इज इट इट नाइस कितना आ रहा है कैलकुलेशन ये 50 आएगा आई गेस सही है क्या ये 50 है और 25 टू जा तो ये माइनस 4 है आर एचएस में तो इसको इसके साथ कंपेयर किया x2 minus 3 is minus 12, y2 minus 4 is minus 16. तो x2 is minus 9, y2 is minus 12. यही आया आपका भी? So what is equation of circle now? It's simple. x minus h plus y is equal to simple. That's it. Good. अब आते हैं 13 question. This is a very nice question. Okay. चलो सोचो क्वेश्चन नंबर 13 जनरली क्या है कि यू हैव बीन गिवन टू लाइंस दो लाइंस पढ़े हैं अपने पास मान लो सो द वेरी फर्स्ट थिंग शुड कम बी दैट शुड कम टू योर माइंड इज कि क्या वो दोनों पैरेलल है क्या वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है क्या है ना आई मीन ऐसे कुछ चीजें ना आपको एक यू नो सबकॉन्शियस माइंड में ना वो कैलकुलेशन पार्ट आपको करना होगा ठीक है बिना पूछे राइट ओके एनीवे फाइन अब आते हैं क्वेश्चन पे थोड़ी पर तो एक सर्कल है x2 plus y2 is equal to 25 ठीक है तो हम जानते हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है ये 5,0 होता है ये -5,0 0,5 0,-5 ऐसे ये सब करने की जरूरत नहीं ऐसे करते हैं आई एम गिविंग यू गाइस मोर टाइम टू थिंक अच्छा ये 3,4 कहां होगा वेयर कुड 3,4 बी समवेयर हियर प्रोबेबली ये है अपना क्यू फाइन और r -4,3 प्रोबेबली समवेयर सो p कहीं भी है उन्होंने बताया कि p समवेयर मान लो कैलकुलेटर यहां कि ये एंगल कितना होगा ये पूछा हमने इज आस्क्ड अस टू फाइंड दिस शायद से आपको कुछ 9th या 10th स्टैंडर्ड वाला कांसेप्ट याद आ रहा होगा रिमेंबर He is indirectly asking us to find what angle does this odd QR subtends at any point on the circle. Now remember, to find the angle subtended by a chord or an arc at any point, we should actually be finding angle subtended by that chord or arc at good. अगर हम center का angle find कर पा कर सकते हैं, अरे ऐसे लग रहा है कि वो कितना है? My brilliant drawing. Tells me that the angle between angle at the center is 90. So, ये कितना होगा obviously. So, do you guys trust my diagrams? क्या मेरा figure पे भरोसा है आप लोगों को? मुझे तो नहीं है ना. अच्छा, क्या फिर कैसे पक्का कैसे कह रहे हैं 90 है कि नहीं? अभी भी टेंशन है मेरे को पाइथागोरस साइंस पाइथागोरस इज अ गुड वे बट आई वांट टू गो फॉर सोफिस्टिकेटेड अरे स्लो पाइथागोरस से कर सकता है आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम देखो ये दूरी 5 है ये दूरी कितना है 5 है ये दूरी √50 आएगा ये आएगा 5√2 आएगा आप चेक कर सकते हो तो है पाइथागोरस है मैंने सॉरी पाइथागोरस से अप्लाई हो रहा है कॉन्वर्स के हिसाब से 90 होना जरूरी है अच्छा बट गाइस आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो फॉर स्लोप है ना स्लोप एम ओ आर स्लोप ओ आर कितना है 3 अपॉन -4 -3/4 है स्लोप ओ क्यू कितना है 4 3 -0 3 दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा
माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब O पे एंगल 90 है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। नो डाउट ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, कौन सा पेपर में आया होगा आपको लगता है? नो प्राइजेस इन केस, ओके ओबवियसली एडवांस में आता बहुत पहले, पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 14 इज इट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट ऑफ इफ सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is at origin and one of its sides is x plus y is equal to 2, then find equation of first in circle, second circumcircle. Very nice question. They always ask such kind of questions. Always. If two vertices of equilateral triangle are minus a comma 0, b a comma 0, where a is greater than 0. And its third vertex lies above x-axis, then find same equation of in circle and the equation of circumcircle. नो डाउट ये दोनों भी क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंस में आ चुके हैं, है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम बहुत ही सिंपल भी है, क्योंकि हम